नमस्कार दोस्तों, आरके विज्ञान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज बीकॉम पार्ट सेकंड आईबीएस पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में हमने एक वीडियो पहले अध्ययन किया था, उसमें हम अध्ययन कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, सामग्री लागत नियंत्रण। सामग्री के जो नियंत्रण की विभिन्न विधियां थी हम उनको अध्ययन कर रहे थे। हमने जो अब तक अध्ययन किया था वो सामग्री नियंत्रण की तकनीक एवं विधियां पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने पहला पढ़ा था सामग्री नियंत्रण की सामान्य नियोजन तकनीक, इसके बाद हमने पढ़ा था सामग्री के विभिन्न स्तर। इसके हमने तीन मेथड पढ़ लिए थे और इसको इसमें जो हमने पढ़े थे वो पहला पढ़ा था पुनः आदेश स्तर, दूसरा हमने पढ़ा था अधिकतम स्टॉक स्तर और जो सी हमने पढ़ा था न्यूनतम स्टॉक स्तर। ये हमने तीन पढ़ लिए थे, हम इनके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज उसके बाद जो आती है वो आती है तीसरी, वो है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल सामग्री की वह मात्रा जो सुरक्षित है, अर्थात सुरक्षित स्टॉक स्तर सामान्यतः जो रीऑर्डर लेवल होता है उसे ही सेफ्टी स्टॉक लेवल कहते हैं। लेकिन प्रश्न में अलग से पूछने पर हम जो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसका प्रयोग करेंगे। सेफ्टी स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन गुणा एवरेज टाइम पीरियड, अर्थात जो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन होती है प्रोडक्शन की वो, और एवरेज टाइम जो हमको आदेश देने के बाद में स्टॉक प्राप्त करने में जो लगता है।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो है एवरेज स्टॉक लेवल, जो पांचवा या जो सामग्री नियंत्रण की जो वो टेक्निक्स थी, क्या स्टॉक के विभिन्न स्तर हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने चार पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पांचवा, वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे काम करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम एक बटा दो, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल को हम कैलकुलेट करने के लिए हम मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल दोनों को जोड़कर दो का भाग दे देंगे तो आएगा एवरेज स्टॉक लेवल। और इसका जो दूसरा और जो फॉर्मूला होता है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एक बटा दो गुणा रीऑर्डर क्वांटिटी। अर्थात मिनिमम स्टॉक लेवल में हम आधी जो रीऑर्डर हम जो जिस मात्रा का आदेश देते हैं, जैसे 10,000 केजी कोई कंपनी एक बार आदेश देती है परे करने का, वो उसका आधा अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल में जोड़ दें तो आएगा एवरेज स्टॉक लेवल। इसका एक फॉर्मूला और होता है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल माइनस एक बटा दो री ऑर्डर क्वांटिटी। प्रश्न में दी गई सूचना के अनुसार हम इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले से आंसर अलग अलग आएंगे, फिर भी वो तीनों आंसर सही होंगे। तो सबसे जो हम पहले जो मेथड का जो प्रयोग करेंगे एवरेज स्टॉक लेवल का कैलकुलेट करने के लिए, वो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका हम आधा कर देंगे। फिर हम जो अगर ये सूचना प्रश्न में नहीं दी गई हो तो हम इसको किसी फॉर्मूले का यूज करके एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा जोड़ देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा, और जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उसमें अगर आधा रीऑर्डर क्वांटिटी घटा देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। इन तीनों से एक बार फिर बता दूं, तीनों जो फॉर्मूले हैं उनसे आंसर अलग अलग आएंगे परंतु वह सही होंगे। स्टॉक के विभिन्न स्तर की जो लास्ट टेक्निक है वो है डेंजर स्टॉक लेवल। अर्थात सामग्री भंडार का वह स्तर
जहां पर सामग्री पहुंचते ही व्यावसायिक संस्था में जो उत्पादन एकदम से रुक सकता है, अर्थात सामग्री का यह स्तर जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। इसे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो है मिनिमम मिनिमम टाइम ऑफ मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई गुणा मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। अर्थात डेंजर स्टॉक लेवल ज्ञात करने के लिए हम मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई गुणा मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन ये एक तरीके से व्यवसाय में लाभ वृद्धि का काम करती है, अर्थात ये एक तरीके से खतरे का निशान दर्शाती है। यदि मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई नहीं दिया गया हो तो जो मिनिमम टाइम लगता है एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद में, अर्थात इसे हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर। यदि क्वेश्चन में मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई नहीं दिया गया हो तो हम उसके स्थान पर मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर यूज कर सकते हैं। ये 6 टेक्निक्स थी सामग्री के विभिन्न स्तर कैलकुलेट करने की। अब तक हमने जो सामग्री नियंत्रण की 2 तकनीकें पढ़ी हैं, पहली सामग्री नियंत्रण की सामान्य नियोजन की तकनीकें, दूसरी स्टॉक स्तर का विभिन्न स्तर निर्धारित करना, जिसमें हमने अभी तक जो विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित किए उसमें जो पहला था रीऑर्डर स्टॉक लेवल, दूसरा था मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जो चौथा था वो था सेफ्टी स्टॉक लेवल, जो पांचवा हमने कैलकुलेट किया वो था डेंजर स्टॉक लेवल, और जो छठा हमने कैलकुलेट किया औसत स्टॉक स्तर। अब हम इनका एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। जो इलस्ट्रेशन है वो है 2 प्रकार की सामग्री है, ए सामग्री बी सामग्री। तो इसमें जो विभिन्न स्टॉक स्तर हमको कैलकुलेट करने हैं रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल। जो 2 प्रकार की जो सामग्री है उनके जो नॉर्मल यूजेज हैं मैक्सिमम यूज मिनिमम यूज
नॉर्मल यूजेज, मिनिमम यूजेज और जो मैक्सिमम यूजेज मिनिमम यूजेज, जो इस प्रकार से है। जो नॉर्मल यूजेज है वो तो है 50 यूनिट पर वीक, जो मैक्सिमम यूज है वो है 75 यूनिट पर वीक, और जो मिनिमम यूजेज है वो है 25 यूनिट पर वीक। अब जो कंपनियां हैं दो हैं, ए का जो ए और बी, जो री ऑर्डर पीरियड है जो री ऑर्डर पीरियड है वो ए का है अलग और बी का है अलग। ए का है 4 से 6 वीक और बी का है 2 से 4 वीक। अब हम इनको जो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल ए और बी दोनों का ज्ञात करना है, जिसमें मैं आपको ए का कैलकुलेट करना बता देता हूं, बी का आप स्वयं कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो वो है जो पहला आएगा वो री ऑर्डर लेवल, जो री ऑर्डर लेवल जो ए का आएगा वो है मैक्सिमम टाइम पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन। जो ए है उसका जो मीन मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है 6 वीक और जो मैक्सिमम यूजेज है वो है 75 यूनिट। तो ये आएगा रीऑर्डर लेवल 0 450 यूनिट, अर्थात ए का जो रीऑर्डर लेवल आएगा वो आएगा 450 यूनिट। अब हम दूसरा जो कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम स्टॉक लेवल, जो मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल में से जो हम बैठाएंगे वो है एवरेज टाइम पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। जो रीऑर्डर लेवल जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 450 यूनिट माइनस एवरेज टाइम पीरियड है 4 और 6, इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 5 वीक और जो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन है वो हमने नॉर्मल यूजेज हमारे को दिया गया है 50 यूनिट। जो आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल 450 में से 250 घटाएंगे तो आएगा 200 यूनिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल,
जो तीसरा है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम टाइम पीरियड मल्टीप्लाई मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा वो होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस रीऑर्डर मिनिमम टाइम पीरियड गुणा मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। जो रीऑर्डर जो क्वांटिटी दे रखी है मैं लिखवाना भूल गया, यहां पे लिख देता हूं। जो एक ही है जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो है 300 यूनिट और जो बी की जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो है 500 यूनिट। तो हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर जो लेवल हमारे आया था वो आया था 450 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है। ये रीऑर्डर क्वांटिटी जो ए की है वो 300 है और जो बी की है वो 500 यूनिट है। तो ए की रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 300 माइनस जो होगा मिनिमम टाइम पीरियड और मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। मिनिमम टाइम पीरियड ए का क्या है 4 वीक गुणा मिनिमम कंजप्शन कितना है 25 यूनिट। तो 750 यूनिट माइनस 25 चौक 100 यूनिट यह आएगा 650 यूनिट। अर्थात जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा वो आएगा 650 यूनिट। अब हमें जो चौथा जो कैलकुलेट करना है वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के मैंने तीन फॉर्मूले बताए थे आपको। पहला 1/2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अर्थात एवरेज स्टॉक लेवल का जो पहला फॉर्मूला था वो था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज स्टॉक लेवल वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दोनों का जो योग करके हम 1/2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। हमें को मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल की सूचना इस प्रश्न में आ गई तो हम इसी मेथड से करेंगे। अन्यथा जो दो मेथड में और बताए थे मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी और जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल माइनस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इस प्रश्न में हम करेंगे जो हमारे 1/2 जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया है वो आया है 650 प्लस जो मिनिमम स्टॉक लेवल हमारे आया था वो था 200 यूनिट। तो ये हो गया 850 अपॉन 1/2 तो ये लगभग आएगा 425 यूनिट। और अगर आप दूसरे
दूसरे फॉर्मूले से अगर करना चाहो तो मिनिमम स्टॉक लेवल है 200 में आप आधा ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी अर्थात 200 में रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 300 यूनिट में 1/2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 150 तो ये आएगा 350। सही ये भी है और सही ये भी है, इन दोनों के जो सूत्र है उनके जो आंसर अलग अलग आएंगे परंतु दोनों सही होंगे। एक तीसरा मेथड है उसी से भी जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा परंतु सही होगा। जो बी जो कंपनी है या बी जो फॉर्म है प्रोडक्शन की उसके जो विविध स्तर है जो हमने इसमें कैलकुलेट किए मैक्सिमम मिनिमम और रीऑर्डर क्वांटिटी और एवरेज स्टॉक लेवल को आप स्वयं कैलकुलेट करेंगे जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो है जो सामग्री नियंत्रण और सामग्री नियंत्रण की जो विभिन्न टेक्निक्स थी उसमें जो हमने अभी तक दो पढ़ी सामान्य नियोजन की तकनीकें और स्टॉक स्तर के विभिन्न स्तर। अब हम जो तीसरा पढ़ेंगे वो है आर्थिक आदेश मात्रा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। यह सामग्री आदेश का वह मात्रा होती है जिसमें सामग्री को जो ऑर्डर देने की ऑर्डर कॉस्ट और जो दूसरी कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट अर्थात ऑर्डर कॉस्ट। प्रत्येक आदेश देने में एक जो क्रय विभाग को विभिन्न प्रकार की लागतों को वहन करना पड़ता है और दूसरी जो होती है कैरिंग कॉस्ट अर्थात सामग्री को स्टोर में रखरखाव और जो इंश्योरेंस और भी जो अन्य प्रकार की जो लागतें होती है अर्थात जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो स्टोर में रखने की लागत इंश्योरेंस और जो ब्याज की लागतें होती है वो प्रत्येक जो ब्याज की लागतें होती है उनको शामिल किया जाता है। आर्थिक आदेश की मात्रा वह मात्रा होती है जिसमें जो ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है कैरिंग कॉस्ट के। आर्थिक आदेश की मात्रा में ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होती है। अब हम आर्थिक आदेश की मात्रा का जो सूत्र है उस वो देखेंगे। जो आर्थिक मात्रा का जो इसे हम शॉर्ट में ईओक्यू लिखते हैं इसका जो सूत्र है अंडर रूट 2 × AO/C। इनको हम डिफाइन कर देते हैं ए मीन्स एनुअल यूजेज इसमें जो ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अर्थात प्रत्येक एक आदेश देने की जो लागत होती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर
जो तीसरा है वो है सी कैरी कॉस्ट। कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, अर्थात एक यूनिट को एक साल लगातार रख रखाव की जो लागतें होती है इंश्योरेंस और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अर्थात एक यूनिट को एक साल तक रखने की जो पर यूनिट की जो लागतें होती है उसे कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कहते हैं। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जो एनुअल यूजेज है वो है 1600 यूनिट और जो प्रति आदेश की जो लागत है ऑर्डर कॉस्ट है जो पर यूनिट है वो है 60 रुपए, जो कैरिंग कॉस्ट है वो है पर यूनिट पर ईयर वो है 1 रुपए और 20 पैसे। अब हम ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आर्थिक आदेश की मात्रा कैलकुलेट करेंगे, वो इस प्रकार होगी EOQ बराबर अंडर रूट 2AO अपॉन C 2 गुना एनुअल यूजेज क्या है कितना है 1600 यूनिट गुना प्रति आदेश की जो लागत है वो कितनी है 60 रुपए अपॉन जो प्रत्येक यूनिट को एक साल रखने की जो कैरिंग कॉस्ट है वो 1 रुपए 20 पैसे। इसको हटाएंगे अब हम 1600 गुना 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम पाएंगे ये जो आएगा वो आएगा 400 यूनिट। अर्थात इस जो फ्रेमवर्क दे रखा है इसके हिसाब से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहां बराबर होगी वो है 400 यूनिट, अर्थात यही आर्थिक आदेश की मात्रा होगी। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की क्लास हम जल्द ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।